लेकिन यहाँ विद्वान लिखते हैं भागवत का प्रमाण है कि विश्वासम पात्र न किमस्ते लोके नारी, औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो, अपनी पे तो करी ले अपनी पे तो करो, पराई पे धोखे बनाए करने हैं, क्योंकि जब कुत्ते की मौत आती है शियार की तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। यहां बाबा नारद ने समझाई और लौट जा लाड़ो, और एक काम करना, कम खाना और कम सोना, कम खाना कम सोना और किसी की बुराई मत करना, लौट जा। ए शांति किन के कंट्रोल करो थोड़ा सा, जिनके जिनके हैं सब अपने ढंग आगो इन्हें पूरे प्राइमरी बनाए दो, शांति से बैठा हो इन्हें। हाँ अब खुद को उनको पल्ला समारे की लले समारे, वो एक देखो जो कितो बड़ो अपुन बात है, बड़ो बैठा रहे मोदी बैठा भैया शांति में, भैया लौट आया। अब मैया वापस आई टूटी हुए खटोला में, फटी हुई रजाई में लेट गई, विचार करती है कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरी कोख से एक बालक पैदा होगा, मेरा नाम लोग बांझ पनसे मिटा देंगे। रात्रि भर मैया सोचती रही, सुबह हुआ, सुबह वही राजा उत्तानपाद आज शिकार खेलने के लिए चले, एक हिरण का पीछा करते करते राजा निकल गए। जवानों ने छोटी रानी को खबर दी, रानी बोली सो जाओ और सोने दो, हमारे महाराज बड़े बलवान है आते ही होंगे। सो गए। अब राजा रात्रि में लौट के आया, आवाज लगाई, कुंदी खटखटाई, अरे ओ देवी सो रही हो क्या? रानी सो गई थी, अचानक बड़ी रानी की याद आई। राजा वहां से छोड़ के बड़ी रानी के कमरे के लिए चले। याद रखना बुजुर्गो, एक ही आवाज में उठ के बैठ गई लेकिन दरवाजे नहीं खोले। हमें जब मालूम पड़ रही जितनी रात में तो कबहू ना आए, हमारी सौत ने हमें मारवे के लिए भेजो है। राजा बोले अरे वो पगली दरवाजे खोल दे, मैं छिपके आया हूं। दरवाजे खोले, भूख लगी है राजा उत्तानपाद को, दादा आधी रोटी जौ की रखी थी, परीक्षित नमक रख करके जब रानी ने वो रोटी पकड़ाई, वो एक निवाला तोड़ के
ने कहा है कि मेरा वचन गलत हो सकता है लेकिन सच्चा संत हो उसका वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। महात्मा का मतलब है जिसकी महान आत्मा हो। संत मतलब समाधान, और दुनिया में पांच संत, कितने? पांच। पांच संत ऐसे हुए हैं जो बहुत क्रोधी। पहले भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे अगस्त ऋषि, जिन्होंने उंजली से समुद्र पी लिया। तीसरे दुर्वासा ऋषि। चौथे विश्वामित्र जी। और पांचवें परशुराम जी, बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत क्रोधी संत हैं। यहाँ बाबा नारद ने समझाया लौट जा। अच्छा, बाबा नारद की एक आदत और थी, ये देवी देवताओं में जब तक अनुमन न करवा लें, जैसे कोई बहुत अच्छे से रह रहा है तो इन्हें अजवाना जरूर था कि देखता हूं कितना स्नेह प्रेम है। एक दिन तो मैया अकेली घर पे रहे, सो बाबा पहुंच गए। बोले मैया, बाबा दिखाई ना दे रहे, कहां गए? मैया बोली, तुम्हें तो पता है वो सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, कहूं घूम रहे हो ही। मैया, बहुत प्रेम है तुम दोनों में? बोले बहुत बहुत प्रेम करते हैं। मैया, तुमने कभी पूछी ना है कि वो सुबह निकलते हैं शाम को आते तो जात कहां है? बोले ना है, हमारे बाबा हमें पूरा भरोसा है, वो कहीं नहीं जाएंगे शाम को, वापस तो इधर ही आना है। बोले बहुत भरोसा है? बहुत। बोले एक बात बता मैया, तू हमें कितनों प्रेम करे? नारद जी ने पार्वती से पूछा। बोले बहुत, तुम हमारे बेटा हो, हम तुम्हें बड़ो प्रेम करें। बोले तुम मानती भी होगी बहुत? बोले बहुत मानती हूं। तो बात भी मानेगी? बोले हाँ बिल्कुल मानेंगे। तो मैया, हम तो से झूठ ना बोल रहे, तेरे अलावा तेरे पति के 6-7 पत्नियां और हैं, वो इसीलिए निकल जाते हैं। मैया बोली, तुम बैठो, भोजन करो, पानी पियो और चुपचाप निकल लो, भोले बाबा की बुराई हम ना सुनेंगे। बोले हम ना सुनेंगे, जवाब दो। कब पागल है गई मैया रे बाबरी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे ओ अम्मा, मैं सच बोलता हूं, मुझ पे भरोसा करे, नहीं आ जाए तो पूछ लेना। अब कोई और स्त्री की बात सुन ले तो नाराजगी कितनी बढ़ेगी। बोले चल ये छोड़ दे, मान ले छोड़ दिया, हमें ये बता जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी है पर कहां से आई तो पता है? बोले नहीं हमें तो ना ही पता। बोले तो खाक प्रेम करे? जब तुझे जब पता ना है कि पति के गले में माला कहां से आई तो का प्रेम हुए से? अरे हाँ जानकारी देनी चाहिए। बोले आज मान दियो। अब नारद को इतने से निकर वो बहु, उतने से बोले बाबा को, आए वो बहु, सो बाबा को प्रणाम करो। नारद ने बोले बाबा प्रणाम करता। बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो? बोले कैलाश पर्वत से ही आ रहे, सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले बाबा सोचने लगे, वैसे याद न कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो जरूर कर रही हो। हाँ अब तुम आए हो, जे पता ना है कि काय को करेगी, अब वो तो जाके ही पता चलेगा। तो वैसे तो पार्वती लय गिलास पानी माता गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज उन्हें करी। बोले वाह, बोले सुनती हो देवी? अरे सुनती हो? नहीं बोली। बोले वाह, बोले सुनती हो? पार्वती झुंझलाए की बोली, वे 6-7 उन्हें सुनाए दो जाए। अरे बोले पानी तो दे दो। बोले वो 6-7 उन्हें भाई पी लो जाए। समझ गए भोले बाबा नारद कौन, भर गए। अब अंदर पहुंचे, बोले देवी बात सुनो। क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, दूर से बात करो। बोले अरे देवी क्या हुआ बताओ। बोले कुछ नहीं, आप दूर से बात करो। बोले हमारी बात सुनोगी, क्या हुआ है? बोले हमें बेसब छोड़ो, जब बताओ 6-7 पत्नियों को है। बोले आप, बोले एक दो ही नहीं 6-7।
गिनती भूल जाऊंगा। बोली किसने बोला? बोले हमें बता रहे ना बता रहे अम्मा के जा रहे। सुनो 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 बताता हूँ। बोले पहली बात तो ये है कोई है नहीं, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई है भी तो वो स्वयं आप हो। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कहीं गौरा सती पार्वती काली लक्ष्मी दुर्गा शैलपुत्री जगदम्बा आपने कितने रूप लिए, हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो, तो कोई और है नहीं स्वयं आप हो। सौगंध खाइए बाबा, दोनों हाथ रख के बोले आपकी सौगंध खाता कोई नहीं है। अच्छा अभी गले में मुंडों की माला कहां से आई? बाबा बोले वारे नारद तुमने कसूरी ना छोड़ी, पूरा आप एकदम प्लान बना के गए हो कि लड़ाई हो वेगी और हमसे भी भोले बाबा कहते हैं। भगवान का नाम है भोले और भाले, मतलब अगर प्रसन्न हो जाए तो बहुत भोले हैं, अगर गुस्सा हो जाए तो भाले से भी तीखे। तो बोले अब गले में मुंडों की माला कहां से आई? जवाब दिया देवी इसमें कुछ शिर आपके हैं और कुछ शिर राक्षसों के हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिया आपको, जो मन करता है डाल लेते हैं, भूत प्रेत पिशाच सब आपके साथ हैं, मेरे सिर कहां से आए? बोले देवी जितनी बार आपने शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके शिरों को अपने गले में धारण किया, और मैं आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता हूं, अगर मैं ऐसा न करता तो मैं पूरे मृत्यु लोक में पागलों की तरह घूमता। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा नारद पहुंचे बोले नारायण नारायण। बोले आओ बोले आओ बैठो, क्या चाहिए? बोले महाराज चाहिए तो कुछ नहीं, बस जय देख वे गुआ लड़ाई वही गिनाए वही, लेकिन अब मामला ठंडो है एकदम, वो देखना ही था। बोले आ बोले अब तो चलो बैठ गए, हमने सब संभाल लो, आगे से कृपा करना ऐसी गलती मत कर देना, हम रोज रोज जवाब ना देते। इन्हें तो चलो विश्वास हो भी गया,